Hey guys, to the video. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा आर्टिकल जो पेपर टू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज स्पेशल ड्राइंग राइट और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड आई एम एफ के बारे में तो आई एम एफ ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है तो आई एम एफ ने क्या किया है यूएन वेटिंग यूएन जो चाइना की करेंसी है उसकी एसडीआर बास्केट करेंसी में वैल्यू बढ़ा दी है वेटेज बढ़ा दिया है जिसकी वजह से जो चाइनीज सेंट्रल बैंक है उनको प्लेज करना पड़ेगा टू तो ओपन देयर मार्केट फॉर फाइनेंशियल मार्केट अब एस डी आर होता क्या है हम लोग अगर एस की बात करें इट रिफर्स टू एन इंटरनेशनल टाइप ऑफ मॉनिटरी रिजर्व करेंसी क्रिएटेड बाय आई एम एफ इन नाइनटीन सिक्सटी नाइन सप्लीमेंट टू एग्जिस्टिंग मनी रिजर्व क्रिएटेड इन रिस्पॉन्स टू कंसर्न लिमिटेड डॉलर एंड गोल्ड इसका पूरा मतलब मैं समझाऊ आपको तो इसका मतलब ये होता है जो अर्लियर डेज में बिफोर नाइनटीन कोई भी कंट्री के पास अगर डॉलर है या गोल्ड में ट्रांजेक्शन ज्यादा रिजर्व पड़ा है तो वो गोल्ड में ले दे अपनी डेप्ट कम कर सकते थे लेकिन आफ्टर नाइनटीन क्या हुआ कि डॉलर और गोल्ड की शॉर्टेज आने लगी वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है जिस वजह से 1969 में आईएमएफ ने एक मॉनेटरी रिजर्व करेंसी एज ए को इंट्रोड्यूस किया और ये करेंसी एस जब भी कोई कंट्री पे फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है तो वो कंट्री क्या कर सकती है एस के थ्रू अपनी नेशनल करेंसी को रिडीम करा सकती है मतलब अपनी नेशनल करेंसी वापस ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है एक्सचेंज ऑफ एस डी आर तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में बाय आईएमएफ और अगर एस डी आर बास्केट की हम लोग बात करें एस डी आर बास्केट में पहले चार करेंसी हुआ करती थी लेकिन 2016 के बाद से चाइनीज करेंसी चाइनीस रेबीनी यानी यूएन को भी, भी इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें यूएस डॉलर आ जाता है यूरो आ जाता है जापानीज येन आ जाता है पाउंड आ जाता है और साथ ही साथ 2016 के बाद से चाइनीज रेवेन्यू आता है और चाइनीज करेंसी की बात करें तो इसका वेटेज रैंक अगर बात करें तो थर्ड वेटेज रैंक पे आता है पहला आता है यूएस का डॉलर सेकंड आता है यूरो उसके बाद चाइनीस रेवेन्यू आता है इंडिया की कोठे की बात करें तो इंडिया के पास आईएमएफ के अंदर वोटिंग राइट की बात करें तो टू 3% परसेंट है और एच डी आर कोटे की बात करें तो टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट है मतलब कोई भी फाइनेंशियल बर्डन इंडिया पे आता है तो टू पॉइंट सेवन फाइव परसेंट अपना एक्सचेंज करके अपनी करेंसी को बढ़ा सकता है अगर हम लोग आई की बात करें इट सेट वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक आफ्टर वॉर टू टू असिस्ट द रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ वॉर कंट्रीज आई एम एफ को सेट वर्ल्ड बैंक के साथ किया गया था इसका कंस्ट्रक्शन का कारण ये था की जो कंट्री वॉर से अफेक्टेड है, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए आई एम एफ का सेट किया गया था नाइनटीन फोर्टी फाइव में इस की स्थापना हुई थी और उसी के साथ साथ 190 कंट्रीज ने आईएमएफ को ज्वाइन किया था द द मेन इज टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम एंड ट्रांजेक्शन पेमेंट बेसिकली आई का मेन पर्पज जो होता है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम को हैंडल करना और इंटरनेशनल पेमेंट में जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको हैंडल करना अगर हम लोग रिपोर्ट की बात करें तो आई दो रिपोर्ट जनरेट करता है पहली रिपोर्ट होती है ग्लोबल फाइनेंसिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और सेकंड होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक तो इस आर्टिकल में हम लोगों ने बेसिकली बात करी स्पेशल ड्राइंग राइट और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (आईएमएफ) के बारे में स्पेशल ड्रॉइंग राइट होते क्या है डॉलर और गोल्ड एज ए मोनिट्री रिजर्व जब लिमिटेड हो गए थे तब एक नया मॉनिटरी रिजर्व बनाया गया था उसको हम लोगों ने बोला था एसडीआर मॉनिट्री रिजर्व की बात करें तो मॉनिटरी रिजर्व वो चीज होती है जब भी किसी कंट्री पर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है तब उस कंट्री को अगर नेशनल करेंसी को रिडीम करना होता है तो वो एसडीआर के थ्रू या फिर मॉनिटरी रिजर्व के थ्रू गोल्ड बेच के या फिर डॉलर बेच के उस कंट्री में कितना फॉरन रिजर्व पड़ा है उसको बेच के अपनी नेशनल करेंसी को रिडीम कर सकती है ये नाइनटीन में बनाया गया था एसडीआर एसडीआर बास्केट के अंदर पांच करेंसी होती है पांच में से जो चाइनीज रेमिनी है उसको टू में इंट्रोड्यूस किया गया था और पांच करेंसी कौन सी कौन सी होती है यूएस डॉलर होता है यूरो होता है जापानीज यूएन होता है पाउंड होता है

इंटरनेशनल पेमेंट के हो रहे हैं उसको देखरे करें अगर आई की रिपोर्ट की बात करें तो आई दो रिपोर्ट जनरेट करता है पहला होता है ग्लोबल फाइनेंसिंग स्टेबिलिटी रिपोर्ट और सेकंड होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट